उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं 2022 की जो सियासी जमीन है उसकी हकीकत बताएंगे। तो फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र वर्मा जी मौजूद है। उनसे जाने क्या कुछ वर्तमान हालात इस वक्त हैं प्रदेश भर में, उनसे बिहार की राजनीति पर भी थोड़ी चर्चा होगी। तो आइए उनसे जानते हैं, सबसे पहले जो टूंडला में उपचुनाव होना है उसका क्या कुछ हाल इस वक्त चल रहा है। जी देखिए, कहीं ना कहीं मैं टूंडला की बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में, जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं गरीबों के हित में, वो कहीं ना कहीं आज चुनाव के समय काम आ रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं गांव देहात में, लोग बुला के वोट देने का काम कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना रही हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी शौचालय की व्यवस्था रही हो, चाहे कोई कानून व्यवस्था के सवाल रहा हो, निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारी बहुमत से हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार में भी नीतीश जी के साथ हैं आप, तो किस तरीके का प्रदर्शन वहां पे भी होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव की सभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए, भीड़ का पार्ट अलग होता है, वोट का पार्ट अलग होता है। जब पड़ा हम आएंगे बिहार के, बहुत चौंकाने वाले होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहाँ, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए की हमारी। अभी जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है? देखिए, 7 सीटों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर परचम लहराने का काम करेगी। बिहार में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो तमाम भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं वो किस तरह का इशारा कर रही है? देखिए, एक जात विशेष की भीड़ होती है भारतीय जनता पार्टी पर। सबका साथ सबका विकास, सभी सर्व जातियों सर्व धर्म के वोट हैं, चाहे वो दलितों के हों या पिछड़े के हों, अगड़े के हों, व्यापारियों के हों, सबका। राज्यसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती का भाजपा के खेमे में जाने का क्या अर्थ है, किस तरीके से? देखिए, वो बहन जी का अपना निर्णय है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्हें क्या करना है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और कह भी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पे, एनडीए के जो साथी हैं, सहयोगी दल हैं, उनके दम पे बिहार में भी सरकार बनाएगी, उत्तर प्रदेश में 7 की 7 सीट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीतने का काम करेंगे। 2022 भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस उसमें भी होने वाला है? देखिए, 2022 में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट उनके बयानों से प्रतीत होती है। चाहे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बयानबाजी करता हो, कांग्रेस का करता हो अथवा बहुजन समाज पार्टी का करता हो, कहीं ना कहीं ये जब आदमी का कुछ नहीं होता तो एक कहावत कही गई है, हारी वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। निश्चित रूप से दल भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से कहीं ना कहीं परेशान है। जो विपक्ष पुलवामा हमले का सबूत मांग रहा था, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की संसद है उसमें मंत्री ने जो बयान दिया है कि हाँ पाकिस्तान ने इसको किया था, तो उससे किस तरीके का एक मैसेज जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी को लोग नेता नहीं मानते। भारतवर्ष का कोई आदमी, साधारण व्यक्ति उन्हें नेता मानने का काम नहीं करता। वो तो हमेशा से बचकानी हरकतें करते आए हैं, इसीलिए लोग उनसे पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी की जो छवि है वो किस तरह की देखते हैं आप, किस तरह से? देखिए, एक मैं कहूँ तो अब तो उनकी उम्र ज़्यादा है, अब वो अपने आप के युवा मानते हैं, लेकिन एक बच्चा भी अच्छे विचार रख सकता है, वो कोई विचार विहीन कोई नेतृत्व क्षमता। राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति की बात होती थी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है, किस तरीके से? देखिए, लोग कहते थे 370 नहीं हटेगी, 370 हटी। लोग कहते थे 3 तलाक का कानून पास नहीं होगा, 3 तलाक का कानून पास हुआ। राम मंदिर के बारे में कहते थे राम मंदिर बनने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वही किया है। कोरोना काल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मदद की है? देखिए, कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्णय लेने की क्षमता और हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 23 करोड़ जनता है, कहीं ना कहीं उसमें कोरोना का जो
ग्राफ था वो ना के बराबर देखने को मिला। ये सरकार की देन थी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रयास था कि हम लोग एक तरफ। आखिरी सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जावान हैं और ऐसा ही कुछ आपके व्यक्तित्व में है, लगातार कार्य करते हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? देखिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 18 और 20 घंटे मेहनत करते हैं, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से जनता यही अपेक्षा करती है, उसे अपनी जनता के बीच रहनी चाहिए और जो भी जनता का दुख सुख का काम है उसे निपटाना चाहिए, उसे करना चाहिए। देखा एक प्रेरणा स्रोत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के लिए ही, तो विधायक जी का कहना है वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। आप जो उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि 2022 में किस तरीके का परफॉर्मेंस किस पार्टी का होने वाला है। अपने साथी करण नागर के साथ राम सेवक बघेल, लैब्स।